अब स्कूल का रिजल्ट बनाना बहुत ही आसान हो चुका है, जस्ट आप इफ कंडीशन लगाएं और आपके पास जितने भी क्लास में 25-30 बच्चे हैं या जितने भी हैं, आप जस्ट वन क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा का सारा रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो उसी करस्पॉन्ड आपको ये डेज मिलेंगे। लाइक वन प्रेस करें तो हमें संडे मिल गया, इसी तरह से टू प्रेस करेंगे तो हमें मंडे मिल जाएगा, इस तरह से सेवन प्रेस करेंगे तो सैटरडे मिल जाएगा, कोई अदर नंबर प्रेस करेंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर द वैल्यू बिटवीन 1 to 7। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपनी जो स्प्रेडशीट्स थी उनको बेटर बनाया बाय इंट्रोड्यूसिंग द बटन्स, उसको हमने बड़े अच्छे से सीखा और उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। आज के सेशन में हम लोग इंशाल्लाह लॉजिकल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन क्योंकि ये वीडियो जो है जितनी भी हैं तकरीबन चैप्टर्स में डिवाइड हुई हैं, तो आप छोटे छोटे सेशंस में इनको देख सकते हैं। लॉजिकल फंक्शन में जो हम लोगों ने कंटेंट्स कवर करने हैं वो आपके पास ये हैं, द इफ फंक्शन होगा, देन नेस्टेड इफ्स होंगे, देन इफ एस फंक्शन होगा, कंडीशनल इफ्स होंगे जिसमें काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, सिंपल आपने काउंट सम एवरेज का फार्मूला वो आपने जो है ना इम्प्लीमेंट करना सीख लिया है, लेकिन काउंट के फंक्शन, सम के फंक्शन और एवरेज के फंक्शन में इफ स्टेटमेंट कैसे लगाई जाएगी या इफ फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन मल्टीपल क्राइटेरिया में काउंट इफ एस, सम इफ एस और एवरेज इफ एस या एवरेज इफ्स कैसे लगाएंगे। एट द एंड हम थोड़ा सा एरर को भी डिस्कस करेंगे, हमारे पास इफ एरर या इफ एन ए एरर कैसे आता है और उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। एट फर्स्ट थोड़ा सा जिनका बैकग्राउंड अगर प्रोग्रामिंग या इन चीज़ों से नहीं है उनको मैं थोड़ा सा ये लॉजिकल फंक्शन समझा देता हूँ एक्चुअली ये चीज़ें क्या हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट या लॉजिकल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके ट्रू होने के बाद आप कुछ डिसीजन लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है आपके पास कि आपने घर से बाहर जाना है और आपने वेदर चेक करनी है, अगर तो बारिश लगी हुई है, अगर तो बारिश है, इज इट रेनिंग, तो अगर ट्रू है तो आपने क्या लेके जाना है, अम्ब्रेला लेके जाना है, और बारिश नहीं है तो आप क्या करेंगे, बस चलते जाएंगे। ये कंडीशनल स्टेटमेंट डे लाइफ में आप बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे हमारे पास कोई इस तरह की एग्जांपल हो सकती है कि अगर आपको बुखार नहीं है तो स्कूल जाना है और अगर बुखार है तो स्कूल नहीं जाना। वैसे तो स्टूडेंट्स की विश होती है कि डेली उनको इन बेसिस पे बुखार हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एंड और इफ की कंडीशंस, ये भी इसी तरह चाहिए, ये भी लॉजिकल स्टेटमेंट है। एंड स्टेटमेंट उधर लगाएंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दोनों ट्रू हों। जैसे मैं ये कहूँ कि आप अगर 18 साल के हैं और आपका आईडी कार्ड भी बना हुआ है, दोनों कंडीशंस 18 साल के भी हैं और आईडी कार्ड भी बना हुआ है, तब आप जो है ना एलिजिबल होंगे वोट कास्टिंग के लिए। दूसरी जो आगे एग्जांपल आप ये ले लें, जैसे आपको इनविटेशन मिलती है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो शादी पर आ जाएँ, तो आप फैमिली मेम्बर्स में से अगर ए चला जाए तब भी ठीक है, बी चला जाए तब भी ठीक है, सी चला जाए तब भी ठीक है, तो आपकी वहाँ पर अटेंडेंस लग जाती है। अब ए बी सी सारे चले जाएं तब भी अटेंडेंस लग जाएगी, या ए बी सी में से कोई एक भी चला जाए तो आपकी वहाँ पर अटेंडेंस लग जाती है। तो ये आर की एग्जांपल है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। लॉजिकल स्टेटमेंट को समझने से पहले सबसे पहले आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा नॉव होना चाहिए। ये ऑपरेटर्स हैं जो हम जो लॉजिकल हमारे पास फंक्शन होंगे हम वहाँ पर लगाएंगे। इस केस में एक्सेल के केस में इक्वल टू लगाएंगे अगर दो स्टेटमेंट इक्वल हुई, ये सिंबल यूज़ करेंगे अगर कोई एक स्टेटमेंट ग्रेटर हुई या दूसरी अगर आपके पास लेस देन हुई, तो ये वाला हम लोग ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इस तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हम लोग ये वाले ऑपरेटर यूज़ करेंगे, देन लेस देन और इक्वल टू के लिए ये, और एंड नॉट इक्वल टू के लिए हम लोगों ने इस तरह के दो ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। हमारे पास ये डेटा है, इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि जिसके एक्सपेंसेस जो हैं वो 1000 से ज़्यादा हैं उसको अप्रूवल की ज़रूरत होगी या अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। तो इस केस में हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग लॉजिकल फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने के लिए आपको याद है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। अब मैं इधर यहाँ पर बजाय इसके कि 800 लिखूँ 1200 लिखूँ, द बेस्ट वे इज़ कि आप जो है वो सेल इंडेक्स लिखा करें। उससे ये होता है कि जब आप इसको खींच के नीचे तक लेके जाते हैं तो सब में उसी तरह से फिर फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाता है।
अगर हमारे पास जो ये इक्वल टू किसके लिए फॉर्मूले के लिए आगे इसको मिक्स नहीं करना है। अच्छा, अगर हमारे पास जो P5 में जो डेटा है वो क्या हो, हमारे पास ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, ये वाला आपने लगा देना ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनमें से कुछ भी हो, किससे, जो ये आपने थ्रेशोल्ड लगाया होगा ना ये वाला, तो यहाँ पर मैं 1000 नहीं लिखता, क्योंकि 1000 लिखेंगे तब भी ठीक होगा, लेकिन यह कि अगर आपको लेटर ऑन अगर आपको ये थ्रेशोल्ड चेंज करना पड़ता है तो वो जितने भी आपके नीचे सेल्स होंगे सब में चेंज करना पड़ेगा। तो वंस अगेन क्या बेटर है कि सेल इंडेक्स लिखा जाए, तो अगर ये इसकी इक्वल है तो उसकी करस्पॉन्ड, अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपने कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दी है, इसके करस्पॉन्ड आपको ट्रू या फॉल्स आंसर मिलेगा। इसको एंटर कीजिए तो आपके पास ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया, कि इसको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ ये फार्मूला, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो एक एरर होगा, वो आपने थोड़ा सा कंसीडर करना है, तो उसको आपने रिपीट नहीं करना। लेट अब मैं ये चाहता हूँ ये नीचे जितने भी आपके पास सेल्स हैं उस पर भी यही फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाए। तो अब इस केस में देखें कि क्या गलती है, मैं वो बता देता हूँ। वंस अगेन ये देखें, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें हालांकि मैंने सिर्फ थ्रेशोल्ड इधर लगाया हुआ है विच इज़ योर G5, इसमें G6 हो गया, इसको देखें G7 हो गया, इसको G8 हो गया, एंड इसके लिए इस केस में आपके पास क्या हो गया जी, विच इज़ योर G11। तो हम लोग ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जस्ट यही जो है ना हमारे पास G5 ही सबके साथ आए। तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है, ये जो फार्मूला है आपके पास इसको आपने प्रेस F4 कर दें तो आपके पास ये फिक्स हो जाएगा दिस वन, ठीक है। अब आपके पास ये सब केसेस में ये जो है जो G5 है वो G6 G7 G7 ये G8 नहीं बनेगा, ठीक है। इसको आप इम्प्लीमेंट कर लें तो देन इसको खींच के नीचे तक ले आते हैं यहाँ तक दिस वन, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो आंसर आएगा ये जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कंडीशनल स्टेट में फॉल्स या ट्रू देगा। फॉल्स मुराद ये है कि आपके पास वो कंडीशन जो है वो मीट नहीं कर रही। कंडीशन क्या थी कि अगर आपके पास 1000 और अबव आपके पास एक्सपेंसेस हैं तो उसको अप्रूवल की ज़रूरत है, और उससे नीचे क्या है तो उसको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी कंडीशन में नहीं लाई करता। तो अब ये देखें 800 विच इज़ लेस देन 1000, 750, 500 देन 800, ये क्या आपके पास लेस देन 1000 है, तो इस केस में आपके पास क्या इनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके साथ ट्रू लिखा हुआ है उस केस में उनको अप्रूवल की जरूरत है विच आर मोर देन 1000 आर इक्वल टू 1000। अब जो था सेल इंडेक्स लिखने का फायदा ये हुआ, अब यहाँ पर अगर आप थ्रेशोल्ड चेंज करते हैं, लेट सपोज मैं 1000 की बजाय यहाँ पर कुछ और वैल्यू लिख देता हूँ, 1200 लिख लेता हूँ, तो अब सब केसेस में देखेंगे तो वो भी आप अपडेट हो जाएंगे। ये इनको देखिए तो ये भी अपडेट हो गए। अगर आप इधर 1000 1000 सबके साथ लिखते हैं तो आप देख लें थ्रेशोल्ड सबके साथ चेंज करना पड़ता, तो ये एक फायदा होता है आपके पास इंडेक्स यूज करने का। अब मैं इसको कुछ और वैल्यू देता हूँ, जस्ट 500 कर देता हूँ, तो G5 आपके पास वैल्यू चेंज होगी, तो ये भी आपके पास कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी विच इज योर ट्रू ट्रू एंड ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर आप फार्मूलाज में आ जाएं, तो फार्मूलाज में अगर आप जब आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये लॉजिकल टैब को ओपन करें तो यहाँ पर आपको बहुत से फंक्शन मिल जाएंगे लॉजिकल, जिसमें एंड से लेकर एक्सक्लूसिव आ तक है, इसमें से हम लोग चंद यूज करेंगे। सबसे पहले जो अभी काम किया उसको हम इफ से यूज करना चाहते हैं, तो देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। इफ को उनके फंक्शन को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखें इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट देन स्केयर ब्रैकेट वैल्यू इफ ट्रू और देन स्केयर ब्रैकेट वैल्यू इफ फॉल्स। पहले इसको बात करते हैं लॉजिकल टेस्ट मुराद ये है कि आप जिन वैल्यू पे लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आपके केस में कौन सा है, ये था ये वाले जो आपके पास कॉलम है इसकी वैल्यूज, और आप इस थ्रेशोल्ड के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो ये आपके पास लॉजिकल टेस्ट में आ जाएगा। आपके पास ये B5 है, देन वही आपके पास आ जाएगी, ऑपरेटर लगा लीजिए, इक्वल टू कर लें, फिर आपके पास क्या है देन दिस वन, और इसके बाद क्या कॉमा है, कॉमा लगाइए। अब ये जो है ये अगर आप नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, आपके पास फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि अगर स्केयर ब्रैकेट का सिंपल इज दैट कि ये लाजमी नहीं है, अगर आप नहीं भी छोड़ भी देते हैं तो सिंपल आपको ट्रू और फॉल्स की सूरत में ये आपको आंसर देगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर आप ये काम कर देते हैं, ये क्या कहते हैं, अगर वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है तो आपको क्या करना है, कोई एक्शन लेना है या कोई स्टेटमेंट आपके पास आनी है। तो अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो हम ये इंग्लिश में ये लिख देते हैं कि नीड ऑफ अप्रूवल या कुछ लिख लें, नीड ऑफ अप्रूवल ये लिखते हैं, और दूसरे केस में आपके पास जो नेक्स्ट केस है विच इज दिस वन, तो उसमें एक और कॉमा डालिए और ये वैल्यू फॉल्स पे आ जाए,
तो अगर वो कंडीशन जो आपने लगाई है ये वाली कंडीशन ये फाल हो जाती है तो क्या लिखा है ओके या उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग फिर इन्वर्टेड कोट्स में लिखें, क्योंकि आपने जब भी इंग्लिश स्टेटमेंट लिखनी है या कोई करेक्टर लिखनी है तो इन्वर्टेड कोट्स में लिखनी है, ठीक है। तो उसमें हम लिख देते हैं ओके, लिख देते हैं जी कि उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इस केस में ओके हो जाएगा। वंस अगेन मैं इसको जी फाइव वाले केस में इसको मैं वही उसी तरह से प्रेस एफ फोर कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास स्टैटिक हो जाए और सब उसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए। एफ फोर प्रेस कीजिए तो अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें, तो फर्स्ट वन तो ओके हो गया, तो मैं सारे को इस तरह से लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखें पहले मैं सिर्फ आपको जो प्रीवियस केस था एफ के बगैर जो आपने किया था, तो आपके पास बाई डिफॉल्ट जो एक्सेल ने जो शो करना था वो ट्रू और फॉल्स शो करना था, लेकिन अब आपने अपनी इंग्लिश इंट्रोड्यूस करवा दी कि आपने कहा कि अगर ये ठीक हुआ यानी कि ये अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हुई यानी कि जिसके भी हज़ार $1,000 से एक्सपेंस कम हुआ बस उसके साथ ओके लिख देना, उसको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और जिसकी 1,000 से ज़्यादा हुई उसको नीड ऑफ अप्रूवल ज़रूरत होगी, ये वाली स्टेटमेंट लिख देना। तो ये मोर एफिशिएंट वर्क है बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ की कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से। स्कूल में अगर आपने रिजल्ट बनाना है तो ये बहुत ही आपके लिए मीनिंगफुल हो जाएगा इसको यूज़ करना। लेट इस केस में हमारे पास देखें पासिंग मार्क्स 85 रखे हुए हैं, 85 एंड अबव को हम पास कंसीडर करेंगे, तो इस तरह से हम रिजल्ट बना लेते हैं। फार्मूला लगाइए इक्वल टू देन इफ, और पहले लॉजिक टेस्ट लगाइए। लॉजिक टेस्ट में क्या करना है, जो एक्सप्रेशन इंक्लूड करना है ये हो बी फोर हो जाए, और बी फोर का को किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है कि बी फोर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो तब भी है, और एच थ्री को हम लॉक कर देते हैं ताकि हम नीचे जब इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे खेंच के नीचे तक लेके जाएंगे तो एच थ्री एच फोर एच फाइव ना हो, जैसे बी फोर बी फाइव बी सिक्स खुद ही जो है वो उसके इंडेक्स चेंज हो जाएंगे, इसके इंडेक्स चेंज ना हो क्योंकि हमारे पास ये फिक्स है 85 के साथ ही करे, क्योंकि नीचे जो इसके साथ एच की वैल्यू जो कुछ नहीं होगा गलत हो जाएगा। तो इसको वंस अगेन रिपीट करता हूँ, तो क्या करेंगे हम लोग लॉक करने के लिए हम लोग एफ फोर प्रेस करेंगे, देन ये आपके पास ये एक्सप्रेशन में देखें लॉजिकल टेस्ट ओके हो गया। आगे आपने दो स्केयर ब्रैकेट्स आती हैं वो कंडीशन आप लगा दें, कुछ इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वो क्या हो सकती हैं जी, अगर वो उसकी कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास लिखा हुआ है पास लिखा हुआ है, और इन केस अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हैं तो हमारे पास फेल लिखा हुआ है। ये इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे तभी अदरवाइज ये एरर देगा आपके पास, ये देखेंगे आप इसको हम सब पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं और ये नीचे तक ले आते हैं बाय दिस वे, सो ये जो है आपके पास पास और फेल की सूरत में रिजल्ट बन जाएगा। एक और हमारे पास नीचे एग्जाम्पल है, इसमें क्या कहता है जी विच इज़ योर शिपिंग फी, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा हो नीचे आ जाए तो अच्छा, एक और हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल टू को भी देख लेते हैं हम लोग, इस केस में हम लोग इसको जरा देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है जी कि अगर वेट 30 है तो उस पे शिपिंग फी 20% आ जाए, और नहीं है तो फ्री शिपिंग फी हो जाए, ये सच कुछ कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग इफ लगा लेते हैं इक्वल टू देन इफ, टैब प्रेस कीजिए, लॉजिक टेस्ट पहला लगा देते हैं 25, इस बी फोर पे 14 पे लगाते हैं विच इज़ कंडीशन क्या है हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाए, अगर ये हो जाए जी विच इज़ आई 13 लॉक कीजिए, वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू लॉक इट, देन कामा फिर आगे आपके पास क्या वैल्यू इफ ट्रू, मैंने कहा था यहाँ पर आप इंग्लिश लिख सकते हैं या कोई उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इंग्लिश नहीं देखना चाहते। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वो क्या करे ये 20% वाला काम कर दे बस, तो हम उस केस में क्या करते हैं तो इसमें C14 जो है इस पर क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे इसको उसको शिपिंग कॉस्ट बता दे मल्टीप्लाई बाय दिस वन, और इसको भी लॉक कीजिए, और देन कामा एंड इफ फॉल्स, अगर फॉल हो जाती है तो हम वहाँ पर जो है ना हमें कुछ नहीं करना है कि मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं लाइक दिस वन शिपिंग फ्री वाला कोई मैसेज इस तरह से हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, टैप प्रेस कीजिए दिस वन, सो फर्स्ट वन इज योर शिपिंग फ्री, इसको खींच के नीचे तक ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाले शिपिंग फ्री हो गए हैं, और इस पे 90 और इस पे 50 जो है वो शिपिंग कॉस्ट आएगी। नीचे देख लेते हैं एंड और को देख लेते हैं, एंड के केस में दो कंडीशन हमारे पास आ जाती हैं,
क्या कहते हैं, अगर टेस्ट वन और टेस्ट टू में 75 और 65 लेगा दोनों में, मतलब टेस्ट टू में उसके मिनिमम 65 होने चाहिए और टेस्ट वन में 75 होने चाहिए, तब उसका रिजल्ट क्या होगा, पास आएगा। तो इसमें फार्मूला ए एंड डी एंड लगाया, तो इसमें लॉजिक वन और लॉजिक टू कंडीशन लगानी है। एक से ज़्यादा लॉजिक लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा बल्कि लगा सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, तीन चार कुछ भी लॉजिक हो सकती हैं। तो फर्स्ट टेस्ट क्या है, फर्स्ट टेस्ट में हम लोग इसको ले लेते हैं, स्कोर वन को उठा लेते हैं, इसका कंपेरिजन करें किससे, दिस वन इज योर, इसके साथ कर ले, इसके साथ लॉक कीजिए प्रेसिंग F4। देन सेकेंड लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, और उस केस में ये क्या करेगा, इसको कंपैरिजन कर ले दिस वन, इसका कंपैरिजन हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू, किसके साथ कर ले, इसके साथ कर ले, और इसको भी लॉक कर दें, ये लॉक कर दिया, टैब प्रेस कीजिए, इस केस में भी आपको ट्रू और फॉल्स देगा। लेकिन अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन इस तरह से है कि आपके पास वो ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको मोर मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, पास और फेल लिखा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें तकदो करनी पड़ेगी। वो इस तरह से कर लेते हैं हम लोग, ये जो फार्मूला लगाया, तो इसमें हम लोग एक काम और करते हैं, इफ भी लगा देते हैं। अब इफ में जो ये जो लॉजिक टेस्ट वन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये उसका लॉजिक टेस्ट बन जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आप वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स वाला लिख लें। तो इस केस में आप वही वाला काम करें, पास ट्रू है तो पास है, और फॉल्स है तो आपके पास फेल हो जाएगा। तो देन दिस इज योर दिस एक्सप्रेशन फेल हो जाए, क्लोज योर टैब, यस दैट्स फाइन ओके, इसको स्क्रॉल डाउन नीचे तक करें, तो क्या आ जाएगा, पास फेल फेल पास फेल, ओके दैट्स फाइन, ठीक है। इसी तरह से अब इस केस में भी आप कर लें, और भी करके उसके साथ भी एफ लगा दें, ताकि आपके पास पास फेल लिखवाएगा, और एंड को जब आप यूज करेंगे, इफ नहीं लगाएंगे तो फिर वो ट्रू और फॉल्स वाला ही आपके पास आएगा, इफ लगाएंगे तो आपके पास इस तरह से भी आ जाएगा। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे, अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इक्वल टू योर आर टैब, तो लॉजिक टेस्ट वन किस पे लगाते हैं, इस पे लगा लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस वन, लॉक कीजिए F4। सेकेंड कंडीशन इस पे लगा लीजिए, इसको कंपेयर करने इसके साथ, इक्वल टू दिस वन विच इज योर H32, इसको भी लॉक कीजिए प्रेसिंग F4, और देन टैब ट्रू एंड फॉल्स बाय दिस वे, इसको भी नीचे लेके जाएंगे ट्रू एंड फॉल्स होगा, इसको भी आप इफ में बेशक कन्वर्ट कर लें, और यहाँ पर आप इफ कर दीजिए, और ये आपके पास जब इफ हो जाता है तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी, और देन आपके पास नेक्स्ट क्या है, वैल्यू इफ ट्रू कर लें, वही आप कर लें, पास और फेल वाला मैसेज कर लें, पास देन क्लोज देन कॉमा देन एफ फेल क्लोज देन क्लोज, यस फाइन, इसको नीचे तक ले जाएं, सो ये ऑल पास आ गया, और द लास्ट वन इज योर बिलो द 65 फेल, ठीक है। इस केस में एंड केस में मेक श्योर करना है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होने से ट्रू आएगा, एक भी आपके पास वो अगर फाल होती है तो फाल आएगा, इस केस में कोई एक भी ट्रू होगी तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा, ट्रू से मुराद ये कि हमने उसको पास करना है, ठीक है। इस फंक्शन को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देख लेते हैं, एक तो आपने तरीका सीख लिया कि अगर आप ये इक्वल टू करके इफ को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक तो वे आपने सीख लिया, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपके पास ये जो फंक्शन है, इस डायलॉग बॉक्स में चले जाएं, तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए जो भी आपने फंक्शन लगाने, लेट हमारे केस में इफ है, इसको गो करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, इस तरह से भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इससे एक और अगर डिफरेंट तरीके से अगर आप जाते हैं तो आपके पास चले जाएं ये अपना फार्मूलाज में चले जाएं, यहाँ पर आपके पास जो लॉजिकल वाला जो टैब है उसको प्रेस करें तो यहाँ पर आपके पास इफ आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर इसको थोड़ा सा यूज़ करना थोड़ा आसान लग रहा है, जिस तरह से हमने पहले केस में किया था,
कि जब आपके पास या तो कंडीशंस बहुत बड़ी हो जाएंगी या फार्मूलाज बड़े हो जाएंगे, तो इस वे में आपको थोड़ा सा इजीली इंप्लीमेंट करना आ जाएगा। तो ये जो आपके पास विंडो ओपन आ जाती है, इसमें आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे, देन आपके पास वही जिस तरह से प्रीवियसली आपने देखा कि वैल्यू इफ ट्रू वाला एक्सप्रेशन और वैल्यू इफ फॉल्स वाला एक्सप्रेशन, इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। एट फर्स्ट हम लोग डेटा देखते हैं। डेटा में क्या है कि आपके पास कुछ फर्नीचर सेल्स हैं 2018 एंड 2019 में, जिनकी आइटम कॉस्ट जो है वो ये लिस्ट ऑफ आइटम कॉस्ट दी हुई है, देन नंबर ऑफ आइटम है, और ये जो टोटल कॉस्ट है ये एक्चुअली अगर इसको आप देखें तो इसमें फार्मूला लगा हुआ है विच इज योर आइटम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, तो ये फार्मूला इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास शिपिंग और टोटल आपने कैलकुलेट करना है। शिपिंग के केस में आपने ये करना है, अगर आपके पास ऑर्डर जो है विच इज योर टोटल कॉस्ट इज मोर देन 1500, इक्वल टू आर मोर देन 1500, तो आपने क्या करना है उस पर शिपिंग चार्ज जो है वो 2% ऐड कर देना है। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ यूजिंग फार्मूला, टैब में जाके ये लॉजिक में जाके यहाँ से इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट जो है विच इज योर F4, और इस पे कंडीशन लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू विच इज योर दिस वन K3। इसको यहाँ पर हम 1500 भी लिख सकते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1500 जब लिखेंगे तो जब हमें ये चेंज करना पड़ेगा, अगर 1500 से मैं 1000 या कुछ और चेंज करता हूँ, तो ये सारा का सारा जितना भी नीचे डेटा है आपके पास वो सारा का सारा फिर आपको सेपरेटली चेंज करना पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप जो है सेल इंडेक्स को यूज़ कीजिए, सेल रेफरेंसेस को यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं जस्ट K3 कर देता हूँ ये बेटर हो जाएगा, इसको फिर लॉक कर देते हैं विच इज़ योर F4 ताकि ये स्टैटिक हो जाए, चेंज ना हो। ये देखिए आप पहले जिस सेल में आपने ये फार्मूला लगाया उसके करस्पॉन्ड यहाँ पर आपको ये रिजल्ट भी मिल गया विच इज योर फॉल्स। अब नेक्स्ट जो है वैल्यूज अब लगा लेते हैं। अब अगर इफ ट्रू है ये कंडीशन, अगर ट्रू है विच इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1500, तो उस पर 2% करना है। तो हम 2% के लिए हम जो फार्मूला कर लेते हैं वो ये हो जाएगा कि दिस वन F4 एंड मल्टीप्लाई बाय योर दिस वन, इधर भी हम K4 कर देते हैं, इसको भी F4 करके लॉक कर दीजिए, ये हो जाए। अच्छा, इन केस अगर आपके पास ये फॉल्स हो जाता है, ये आपके पास शिपिंग कॉस्ट आ जाएगी, अगर फॉल्स हो जाता है तो हम उसको उस पर कुछ भी ना लिखा हुआ है यानी कि उस पर किसी किस्म का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, वो मैं उसको ज़ीरो कर देता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ, देन दिस वन। अब इसको मैं नीचे तक इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो हमारे केस में ये देखें, जिस केस में अब ये इसको देखें विच इज़ योर 2599 विच इज़ मोर देन 1500, तो उसकी शिपिंग कॉस्ट ये आ गई है। अब टोटल जो होगा वो एक्चुअली टोटल हमारे पास उसमें फार्मूला लगाते हैं विच इज़ सम ऑफ टोटल कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट को मिला के हमारे पास वो टोटल बन जाए। तो वो हम लोग एक और फार्मूला लगाते हैं विच इज़ योर सम सम दिस वन प्लस दूसरा क्या हो जाए हमारे पास, दूसरा क्या है हमारे पास देन नंबर टू दिस वन हो जाए, और टैप कीजिए ये हो जाता है, इसको भी आप सब पे इम्प्लीमेंट कर दें। तो ये इस तरह से आपके पास टोटल कॉस्ट है। अब वो जो हमने बात की, इसको अगर हम मैं चेंज करता हूँ, जस्ट यहाँ से चेंजिंग करता हूँ, मैं इसको 1500 की बजाय 1000 कर देता हूँ, तो तमाम का तमाम डेटा चेंज हो जाएगा जस्ट वन क्लिक पे, ठीक है। तो अब ये अगर मैंने हार्ड कोड किया था, अगर मैं सेल रेफरेंस वहाँ ना लिखता और जस्ट वहाँ पर 1500 लिखता, तो मुझे अगर ये कोई वैल्यू चेंज करनी पड़ती तो थ्रू आउट जो आपके पास डेटा है उसमें सब की सब में चेंज करनी पड़ती। सिमिलरली आप बेशक परसेंटेज बढ़ा के देख लीजिए, वो आप कोई और डेटा कर लें विच इज़ 4% कर लें, तो वो भी इसी तरह से, ये भी आपने हार्ड कोड किया तो सारा का सारा आपके पास डेटा चेंज हो गया। नेस्टेड इफ से मुराद ये है कि इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ लगाना, उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। तो अब हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट है, हायर डेट, ईयर, सैलरी एंड जॉब रेटिंग है। एक्चुअली हमने करना ये है कि हमारे पास जॉब रेटिंग अगर ये है वन है, अगर उसकी जॉब रेटिंग तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, 2, 3, 4, 5 है तो उसको उसके करस्पॉन्ड 100, 900, 1500 एंड 3000 उसको बोनस मिलेगा।
इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग नेस्टेड इफ। इक्वल टू प्रेस कीजिए, देन योर इफ, इफ के अंदर पहले लॉजिकल टेस्ट लगा देते हैं विच इज़ योर जॉब रेटिंग। तो इसको कंपैरिजन कर देना है, आपने इनके साथ कंपैरिजन करना है, तो विच इज़ योर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिस वन। अगर ये हो जाए तो आपके पास अगर वैल्यू ट्रू है तो आपने क्या करना है उस केस में उसको 3000 ना बल्कि लिखें, बल्कि वंस अगेन वही इंडेक्स सेल रेफरेंस आप एंटर कीजिए, अदरवाइज बाद में चेंज नहीं होगा। इसको भी आप कर लीजिए F4 प्रेस करके लॉक कीजिए, इसको भी F4 प्रेस करके लॉक कीजिए, इन दोनों को लॉक कीजिए। G2 को लॉक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ये G3 G4 G5 और इस तरह से उसके नीचे चेंज होना है, लेकिन इसने फिक्स होना है। तो ये आपके पास वैल्यू ट्रू है तो आपके पास ये कर दे, देन आपके पास नेक्स्ट क्या है जी, अगर फॉल्स हो जाती है, अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो फिर इस कंडीशन पे आए, ये नहीं है तो इस पे आ जाए, इस पे जो वैल्यू इफ फॉल्स है तो उस पे मैं एक और इफ लगा देता हूँ। तो वहाँ पर हम इफ एक और इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ हो गया। इसमें भी आप लॉजिकल टेस्ट पहले भी लगा देते हैं क्या है जी, वंस अगेन यूर दिस G2, और अब इस केस में हमारे पास ये आ जाए, ठीक है, सॉरी G2, इसको कंपेरिजन कर लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हमारे पास दिस वन हो जाता है लॉक कीजिए इसको प्रेसिंग F4। तो अब इस नेस्टेड इफ के अंदर जो है ना वो अगर देखें तो पहले वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर आज ये ट्रू हो जाता है तो हमारे पास क्या दे दे, जस्ट ये दे दे जी विच इज़ योर 1500, जिसका सेल रेफरेंस जो है वो K5 बनता है, इसको भी अब लॉक कर दें। अब इसके अंदर जो है अगर फास्ट ये भी फास्ट हो जाता है तो हम थर्ड कंडीशन पे चले जाते हैं, तो उस केस में हम लोग वंस अगेन एक और इफ लगाते हैं, इफ और प्रेस कीजिए। तो इस कंडीशन में आपके पास वंस अगेन आप जॉब रेटिंग पे ही रहना चाहते हैं, दिस वन जॉब रेटिंग, देन योर कामा एंड देन सॉरी कंपेरिजन इक्वल टू, और किसको कंपेयर करना चाहते हैं इस केस में, इसको कंपेयर करना चाहते हैं प्रेस F4। देन आपके पास यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है F2, तो इस केस में आपको वो 900 बोनस मिल जाए, जो कि आपके पास ये सेल इंडेक्स बनता है, इसको लॉक कीजिए। अगेन आपके पास ये दो कंडीशन रहती हैं, इनको भी इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन ये नेस्टेड इफ है, नेस्टेड इफ की एक आप कह सकते हैं इस तरह की एप्लीकेशन है। इस केस में आपके पास वंस अगेन यही है, इसको आप करें कंपेयर करें इसके साथ और ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इंडेक्स, तो इस केस में आपके पास G7 है, लॉक करें इसको भी, और देन अगर ये ट्रू हो जाता है तो कितना उसको बोनस मिले, तो विच इज़ योर दिस इंडेक्स, इसको भी लॉक करते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है दिस वन, इधर थोड़ा सा आपको देखने में ज़रा मुश्किल लगता होगा, लेकिन आप फॉर्मूला बार में देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा ये इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन आपके पास अगर ये K7 हो जाता है तो अगर ये इशू हो जाता है तो वो 100 कर दे, और फॉल्स हो जाता है तो हमारे पास लास्ट इफ आ जाता है जी इफ। तो इस केस में आपके पास वंस अगेन इसको के ऊपर कंडीशन लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर वो हमारे पास ये वाली कंडीशन है G8 लॉक करते हैं, तो उस केस में हमारे पास ये कोई भी उसको जो है बोनस नहीं देगा, तो विच इज़ योर K8, और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब इस केस में जितने भी आपके पास ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं उतनी क्लोज भी करनी है, या पहले एक इफ है, दूसरा इफ, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच आपने ब्रैकेट्स क्लोज करनी है, अदरवाइज आपके पास एरर आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, देन टैप। अब इसको देख लेते हैं हम, इसको मैं सब पे लगा देता हूँ। सो इस तरह से आपके पास ये नेस्टेड इफ के केस में सारा डेटा पे लग गया, ठीक है जी। तो ये दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। अच्छा, इसमें कुछ ये देखें तो आपको कुछ यहाँ पर ये कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं, तो जिसमें ये है अनप्रोटेक्टेड फार्मूला, बहुत बड़ा फार्मूला है, तो इसको आपने प्रोटेक्टेड नहीं बनाया, चेंज हो सकता है, तो आप इसको प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। समटाइम आपको एरर रिमूव करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और समटाइम जस्ट वार्निंग्स होती हैं, तो उसको अगर आप कर दें तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दें, ठीक है। इसको बेशक आप कंट्रोल शिफ्ट
एरो की डाउन कर देते हैं, तो इसमें जो भी वार्निंग्स हैं उसको हम इग्नोर एरर कर देते हैं, तो वो आपके पास रिमूव हो जाएंगे। ना भी करें तो कोई इतना इश्यू नहीं है। लास्ट टाइम जो हमने ये काम किया था वो नेस्टेड इफ के साथ किया था, जो कि आपने देखा है काफ़ी लंबा फार्मूला बन गया था। अब हम उसको एक और वे से करते हैं, विच इज़ योर इफ एस के साथ करते हैं। ये कंपैरेटिवली उससे शॉर्ट होगा। अब आप देखिए, इसमें आपने लॉजिकल टेस्ट वन लिख लें, विच इज़ योर दिस वन इक्वल टू दिस वन, एंड इसको आप किससे टेस्ट करना चाहते हैं, इसके साथ टेस्ट करना चाहते हैं। अगर ये है तो इसको आप हार्ड कोड साथ करते जाएं ताकि थोड़ा सा पता भी चलता जाए। देन कामा, देन आपने वैल्यू लिखनी है विच इज़ योर दिस वन, इसको भी हार्ड कोड कर दीजिए। देन आपके पास यहाँ पर नेस्टेड इफ नहीं आएगा, यहाँ पर आपने जस्ट ये एक्सप्रेशन दोबारा रिपीट कर देना है। उसमें आपने इफ इक्वल लगाया था, तो आप इस केस में आप देखें कि आप लॉजिकल टेस्ट टू आप इसको कर सकते हैं। तो अब लॉजिकल टेस्ट टू में आप इसको जी फोर वंस अगेन आप इक्वल टू कर लें विच इज़ योर दिस वन जी फाइव, एंड अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या हो जाए हमारे पास ये हो जाए। देन इसी तरह से आपके पास फर्दर आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए नेक्स्ट के लिए विच इज़ योर दिस वन, एंड इसको कंपेयर करना है आपने अगर इक्वल टू दिस वन हो जाए, और देन आपके पास इसके करस्पॉन्ड आपके पास ये होता है तो ये आ जाए। इसको भी आप हार्ड कोड कर दें, इसको भी आप हार्ड कोड कर दीजिए एफ फोर एंड सो ऑन। आप इस पर सब पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसे सिमिलर केस में आप इस पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देता हूँ। तो अब ये क्योंकि एरर ये इसलिए दे रहा है कि हमने वन और टू के लिए इम्प्लीमेंट नहीं दिया, तो एनी हाउ इस तरह से आप इफ़ एस को, अगर आप नेस्टेड इफ़ नहीं करते हैं तो इफ़ एस से आप थोड़ा सा काम को आसान बना सकते हैं। इफ़ एस की एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। हमारे पास है संडे मंडे ट्यूसडे, हम डे नंबर अगर इंटर कर रहे हैं हमारे पास डे आ जाए, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं इफ़ एस को इक्वल टू इफ़ एस। तो यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर ये कि आपके पास लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाए, अगर यहाँ पर आपके पास कोई इंटर करे विच इज़ योर एग्जैक्टली वन, अगर वन इंटर करता है तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अगर नेक्स्ट लगा लेते हैं, यहाँ पर अगर आपके पास कोई इंटर करता है टू, तो उस केस में आपके पास आंसर ये वाला आना चाहिए, मंडे आना चाहिए। इसी तरह से आपके पास कोई प्रेस करता है, यहाँ पर आपके पास थ्री प्रेस करता है इक्वल टू थ्री करता है, तो आपके केस में ये आना चाहिए ट्यूसडे आना चाहिए। इसी तरह से अगर ये आपके पास इसमें कोई फोर प्रेस करता है तो आपके पास यहाँ पर ये आना चाहिए, सॉरी तो फोर प्रेस करता है तो आपके पास यहाँ पर वेनस्डे आना चाहिए। देन आपके पास अगर यहाँ पर कोई यहाँ पे वंस अगेन फाइव प्रेस करता है तो आपके केस में ये क्या आना चाहिए जी, देन थर्सडे आना चाहिए। देन आपके पास अगर यहाँ पे कोई ए एलेवन जो है रेफरेंस इंडेक्स, यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्रेस करता है सिक्स प्रेस करता है तो आपके केस में क्या आना चाहिए, फ्राइडे आना चाहिए। देन आपके पास अगर लास्ट है विच इज़ योर वंस अगेन एलेवन की जगह पे अगर आप कोई क्या प्रिंट करे सेवन प्रिंट करे तो आपके पास सैटरडे आना चाहिए जी। इसको क्लोज कर दीजिए, टैब प्रेस कीजिए। सो अभी ये एन ए इसलिए आ रहा है, तो यहाँ पर आपने कुछ इंटर नहीं किया हुआ, वन इंटर करें तो ये देखें संडे लिखा हुआ आ गया। इस तरह से सेवन इंटर करें तो सैटरडे लिखा हुआ आया। इस तरह से आप कोई और नंबर फोर इंटर करें तो आपके पास वेनस्डे लिखा हुआ है। तो ये एक और यूजफुल वे है जिसमें आप इफ एस को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सम इफ को, देख लेते हैं एस यू एम सम दिस वन। इसमें देखें तो सबसे पहले आप रेंज लिखेंगे, लेट हमारे केस में ये रेंज है,
ठीक है, देन क्राइटेरिया लिखेंगे कि किसको किस किस डेटा को सम करें। हम क्राइटेरिया में हम माइक्रो वर्ल्ड देखते हैं, जहां जहां पर माइक्रो वर्ल्ड है उसके करस्पॉन्ड टोटल सेल को वो सेल करेगा। तो लास्ट में सम ऑफ द जो रेंज है उसको हम लिख लेंगे दिस वन। ठीक है, ये सम इफ के फॉर्मूले में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम रेंज उसको देते हैं कि जो वर्ड है वो कहाँ से ढूंढे। हमारे केस में वो जो रेंज आ जाएगी विच इज योर दिस वन, इसको थोड़ा सा खींच के नीचे तक लें, ये रेंज आपके पास आ गई है। देन आपके पास कामा है, कामा के बाद आपने क्राइटेरिया बताना है किसको सर्च करें। तो विच इज योर माइक्रो वर्ड इधर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं, फिर कामा प्रेस कीजिए, फिर सम ऑफ द रेंजेस, तो ये रेंज हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। देन आप टैब प्रेस कीजिए, तो ये उसने अब किया क्या, एक्चुअली उसने जो माइक्रो वर्ल्ड था, जहाँ जहाँ पर माइक्रो वर्ल्ड था उसी का जो टोटल सेल थी उसको उसने सम कर दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं काउंट इफ को, देख लेते हैं काउंट इफ को भी इसी तरह से हम देख लेते हैं। उसके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आर्गूमेंट पास करने हैं। एट फर्स्ट आपने रेंज पास करनी है विच इज इन योर केस दिस वन, देन क्राइटेरिया, और हमारे केस में जो क्राइटेरिया है गामा डाल के, तो वो कंप्यूटेक है, तो कंप्यूटेक को काउंट करे कि उसमें कितने नंबर्स हैं। तो देन टैप कीजिए और इंटर कीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास 6 नंबर, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इट इज़ अ स्मॉल डेटा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये स्मॉल डेटा है तो उसमें काउंट हो जाएगा। तो ये इसने क्या किया, काउंट इफ की स्टेटमेंट से ये कर दिया। देन हमारे पास है एवरेज इफ, तो इसको भी देख लेते हैं, इसके थोड़े से आर्गुमेंट देख लेते हैं कैसे हैं। एवरेज एवरेज इफ ये आपके पास आ गया दिस वन, इसके आर्गुमेंट देखें। एट फर्स्ट आपने रेंज डिफाइन करनी है, हमारे पास ये रेंज आ गई है, ठीक है जी, ओके। देन आपने क्राइटेरिया लिखना है, क्राइटेरिया में हम कंप्यूटर लिख लेते हैं, कंप्यूटर के बाद आप देन आपने एवरेज किसकी फाइंड करनी है वो रेंज फाइंड बता दें इसको, तो हम उसको रेंज बताते हैं इन तमाम सेल में जो भी कंप्यूटर है उसकी एवरेज निकाल दो। टैब करके ये ओके कर दें, तो ये आपके पास कंप्यूटर की करस्पॉन्ड इतनी एवरेज आ गई है। अब इस केस में आप देखना चाहते हैं टोटल सेल फॉर सेल्स रेप्स एट माइक्रो वर्ल्ड, तब आपके पास दो कंडीशंस आ गई हैं। तो इस केस में आप सम इफ एस लगाएंगे, जैसे सम इफ्स कह देते हैं जो भी है, जिस तरह से आप उसको रीड करें, तो इक्वल टू करें, थोड़े से उसके इनर आर्गुमेंट भी देखते हैं वो कैसे हैं। सम इफ एस कर देते हैं, अच्छा इसमें देखें तो सम ऑफ द रेंज आपने एट फर्स्ट डिफाइन करनी है, किन को आपने सम करना है, तो उनको आपने पहले डिफाइन करना है। जैसे कि हमारे पास जो रेंज है वो ये है दिस वन, ये टोटल है, इनको हमने सम करना है। ये मैं रेंज पहले डिफाइन कर देता हूँ, ये आपने इसको रीड करके उसके हिसाब से काम करना है। अच्छा देन हमारे पास दूसरा क्या कहता है, क्राइटेरिया रेंज क्या है जी, क्राइटेरिया रेंज हमारे पास क्या है, विच इज योर माइक्रो वर्ड, क्राइटेरिया रेंज इसमें चेक करें, दिस इज योर क्राइटेरिया रेंज, देन फाइन, और देन क्राइटेरिया रेंज के बाद आपने क्राइटेरिया बताना है। तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज योर माइक्रो वर्ड, ये तो आपके पास फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आपने नेक्स्ट करना है विच इज योर क्राइटेरिया रेंज टू बता दीजिए, क्राइटेरिया रेंज आपके पास ये है, ये क्राइटेरिया रेंज टू बता दी, और क्राइटेरिया रेंज टू के बाद क्राइटेरिया है क्या, ये है आपके पास विच इज योर G7, देन क्लोज योर ब्रैकेट, और ये आपके पास आ गया जी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में सेल्स रैप्स जो है वो इजीली हमें पता चल सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में एक सेल रैप ये वाला है, एक है, और उसके अलावा एक दो, बस दो ही हैं, ठीक है। तो विच इन दोनों को सम करें तो आपके पास कुछ इस तरह 13,000 कुछ ये बन जाएगा। इसको देखते हैं, जब आपके पास 3 का ऑप्शन आ जाएगा तो उस केस में देख लेते हैं, इक्वल टू विच इज योर सम इफ्स पढ़ें या इफ एस पढ़ें जो भी है, इस केस में स्टार्ट योर ब्रैकेट, क्या देखना है, टोटल सेल्स फॉर द सेल्स रैप्स एट माइक्रो वर्ल्ड विद मोर देन 7,000, तो ये आपने चेक करना है इन सेल्स, ठीक है। तो अब इस केस में हम देखते हैं, एट फर्स्ट आप सम ऑफ द रेंज लगा दीजिए, इन योर केस दिस वन, ये लगा दिए सम ऑफ द रेंज, ये सबसे पहले लगा दिया, फिर आपने क्राइटेरिया रेंज बताना है, कॉमा डालिए, क्राइटेरिया रेंज क्या है जी, आपके पास दिस वन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर क्राइटेरिया डिफाइन कीजिए विच इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, देन कॉमा, देन क्राइटेरिया रेंज टू बता दीजिए विच इज दिस वन, ये हो गया, और देन कॉमा एंड क्राइटेरिया टू है क्या, ये आपके पास आ गया। देन थर्ड हमने बताना है जो जी, वो थर्ड के लिए रेंज बता दीजिए, ये आपके पास रेंज आ जाएगी,
और क्राइटेरिया रेंज आ गई, और क्राइटेरिया क्या, दिस वन, देन क्लोज योर ब्रैकेट। तो ये उसने बता दिया, जिसकी मोर देन 7000 है तो वो आपके पास क्या है, विच इज दिस वन 7139। नेक्स्ट काउंट इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट कंप्यूटेक, ठीक, कंप्यूटेक में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उसको चेक कर लेते हैं। इसमें हम काउंट इफ्स लगा लेते हैं, काउंट इफ लगा लेते हैं, CAUNT काउंट इफ्स, देन प्रेस टैब। क्राइटेरिया रेंज हमने कहाँ चेक करना है जी, हमारे पास ये रेंज बन जाती है, इसको चेक कर लीजिए इसमें, और क्राइटेरिया है क्या हमारे पास इसमें, देन कामा व्हाट इज योर क्राइटेरिया विच इज कंप्यूटेक, देन नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज बता दीजिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज आपके पास ये आ जाता है, ये आपके पास नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज आ गया। देन नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, विच इज योर सेल्स मैनेजर, देन क्लोज योर ब्रैकेट, तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास एम्प्लॉइज, सेल्स मैनेजर कितने हैं कंप्यूटेक में, 3 हैं। इस तरह से आप इसमें अगर आपके पास 3 केस है वो भी आप उसी तरह से लगा लें जिस तरह से अभी आपने किया, इक्वल टू CAUNT काउंट इफ्स कर लीजिए इसको, और एट फर्स्ट आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट कंप्यूटेक विद जॉब टाइटल सेल्स मैनेजर जिसका हो, और साथ में थर्ड उसमें क्या है, एंड लेस देन फ्लां फ्लां 800 हो, ये जो भी 9000 जो भी लिखा हुआ। अच्छा फाइन, इसमें क्या क्राइटेरिया रेंज बता दीजिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये रेंज हम इसमें देख लेते हैं, और क्या बताना है कि आपने एट फर्स्ट क्राइटेरिया दिए है, देन आपके पास क्राइटेरिया रेंज आपके पास ये कर लीजिए, ये हो गया आपके पास, देन क्राइटेरिया आपके पास सेल्स मैनेजर है, देन आपके पास टोटल सेल्स में से देखना है जिसकी 9000 से कम है वो रेंज बता दीजिए, ये रेंज आपके पास आ गई, और क्राइटेरिया क्या है विच इज योर दिस वन, क्लोज कीजिए, तो देन आपके पास 2 नंबर्स हैं जी एम्प्लॉइज जिनकी 9000 या जो भी है उससे सेल कम है। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, एवरेज इफ्स को भी देख लेते हैं, इक्वल टू AVER AG एवरेज इफ्स वाले को देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपने पहले एवरेज रेंज बतानी है, एवरेज रेंज क्या आपके पास, इनकी एवरेज निकालनी है, दिस इज योर रेंज, इसकी एवरेज निकालने, देन आपके पास क्या है कामा, देन आपके पास क्राइटेरिया रेंज जो है वो फर्स्ट कौन सी रेंज है आप किसका निकालना चाह रहे हैं, इसकी क्राइटेरिया रेंज 1, एंड देन आपके पास योर क्राइटेरिया विच इज कंप्यूटेक, देन आपके पास नेक्स्ट जो रेंज है क्राइटेरिया रेंज 2 ये है आपके पास दिस वन, एंड देन योर क्राइटेरिया एंड ब्रैकेट क्लोज एंड दिस वन, तो ये आपके पास आ जाती है जी, इसकी एवरेज इफ्स आ जाता है। दो तरह के एरर्स को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं उनसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। पहला तो आपके पास NA है, ये वो है जो हमने फार्मूला लगाया था जिसमें हमने वैल्यू 1 और 2 मिसिंग कर दी थी। अब इनकेस जहाँ पर उसको 1 और 2 नजर आ रहा है लेकिन फार्मूले में फार्मूला तो लगा हुआ है लेकिन 1 और 2 वैल्यूज नहीं है उसके लिए जॉब रेटिंग के लिए, तो वो उसको वो एरर समझ रहा है। इस तरह के NA एरर को आप इस तरह से खत्म कर सकते हैं, आप फार्मूला बार में जाइए, वहां पर आप बेशक इधर इधर फॉर्मूला लगा दीजिए, इधर इधर लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास होगा विच इज इफ NA के नाम से फॉर्मूला है, एंड देन टैब ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। इसमें देखें पहले वैल्यू, तो वैल्यू ये जो इफ एस है तो ये सारी की सारी हमारे पास वैल्यू कंसिडर होगी, ठीक है, ये सारी की सारी क्या कंसिडर होगी, ये वैल्यू कंसिडर होगी। अब ये जो वैल्यू है अगर इसकी वजह से एरर आएगा तो मैसेज क्या डिस्प्ले हो, फिर क्या है कॉमा डालना है आपने, तो आप अपनी मर्जी से मैसेज को लिखते हैं। जैसे हमारे केस में है हम बोनस अलॉट कर रहे हैं, मतलब अगर उसकी रेटिंग 5 है तो 3000, 4 है तो ये हो जाए, 3 है ये, 2 और 1 के लिए हमने फार्मूले में लिखा ही नहीं था, तो हमने कहा कि नो बोनस के नाम से कोई मैसेज शेयर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा वहां पर विजिबिलिटी क्लियर हो जाए, नो बोनस, इन्वर्टेड कोर्स को क्लोज कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, यस एक्सेप्टेबल, ये देखिए नो बोनस है, इसको सब पे लगा दें। अब जहां जहां पर NA एरर था वो उसको नो बोनस जो आपने मैसेज लिखा वो उस तरह से आ गया। NA असल में वो अंडरस्टैंडेबल नहीं था किस वजह से है,
अब उसके करस्पॉन्ड अदर वैल्यूज के लिए जो भी है जो डिफाइन की है तो उसके लिए तो उसने आंसर दे दिया, जो डिफाइन नहीं हो सकी या कोई भी और वैल्यू आप इंटर होगी तो उसके लिए वो क्या कहेगा, नो बोनस। एक और है हमारे पास, ये केस है, ये हम लोगों ने जो पहले हम लोग कर चुके हैं इसको, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम वन प्रेस करते हैं तो उसी करस्पॉन्ड कोई डे बता देता है जो हमने डिफाइन किया हुआ फार्मूले में। फार्मूला बेशक आप इसका देख लीजिए, इफ एस का फार्मूला लगाया था आपने, अगर ए वन वन जो है दिस इज योर ए इलेवन अगर आपके पास वन होगा, ये वन होगा तो आपने क्या शो करना है ए टू को, ए टू क्या संडे है, तो इस तरह से था। अब यहाँ पर अगर ये तो आप नंबर तकरीबन 8 तक डिफाइन किए हुए हैं, अगर मैं कोई और अदर नंबर इंटर कर देता हूँ यहाँ पर तो उस केस में यहाँ पर एन ए लिखा हुआ आ रहा है। अब इस केस में अब जो यूज़र है जिसको आप ये फाइल शेयर करेंगे उसे समझ नहीं आएगी ये किस वजह से जो है ना वो एरर आ रहा है। इट इज़ बेटर कि हम यहाँ पर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। तो इस केस में हम लोग एक और तरीका ले लेते हैं, तो एक आपने देखा था इफ़ एन ए, और एक और हमारे पास भी है इफ़ एरर के नाम से भी किसी किस्म का भी एरर हो तो वो उसको टैकल कर लेता है, लेकिन इफ़ एन ए जो है वो खास सिर्फ इफ़ एन ए को ही, एन ए वाले एरर को ही डील करेगा। हम करते हैं जी इफ एरर, सॉरी एरर इसको कर लीजिए। तो अब ये जो इफ एस के अंदर ये पूरा पूरा पहले का जो आपने इफ की कंडीशन लगाई हुई है वो उसको वैल्यू कंसीडर करेगा, नेक्स्ट जो है कामा डालिए इधर, और यहाँ पर वो चीज़ लिख लीजिए जो मैसेज इसकी जगह जो एरर की जगह कोई मैसेज जो डिस्प्ले हो जाए। हम ये चाहते हैं कि मैसेज ये डिस्प्ले हो जी कि इंटर वैल्यू बिटवीन वन एंड सेवन, बिटवीन वन टू सेवन कर दीजिए बस सिंपल, ताकि उसको मैसेज एक मिल जाए। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर कीजिए, यस ओके दैट्स फाइन। अब इसको देखें, हम ये करते हैं कोई वैल्यू, पहले हम अपनी वैल्यू डालते हैं जो जिसके लिए वो एलिजिबल है, संडे आ गया, 4 डाल दीजिए आंसर देगा। अब कोई वैल्यू डालते हैं, लेट 15 मैंने एंटर कर दी, देखते हैं इस केस में क्या करेगा, इंटर वैल्यू बिटवीन 1 टू 7, तो इसमें मैसेज प्रॉपरली डिस्प्ले होगा। इनफैक्ट ये एरर ही है लेकिन उस यूज़र को के लिए थोड़ी सी आसानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा, लेक्चर नंबर 9 आज एंड हो चुका है, इसमें आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।